भाई इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस इतना है कि मेरे ऐसा बंदा इस गाड़ी के अंदर आ, सामान रखने की तो टेंशन ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मेरा नाम है सरदार नुमान। जैसा कि आपको पता, मैं हमेशा आपके लिए बहुत ही फिट सी गाड़ी लेके आता हूँ। तो आज मेरे पास एक 37 साल पुरानी गाड़ी है, 37 ईयर्स ओल्ड कार है मेरे पास, और बहुत ही कमाल की कंडीशन है इस गाड़ी की। ये गाड़ी लेके आने की वजह भी यही है कि इतनी पुरानी गाड़ी और इतनी अच्छी कंडीशन में है, तो मैंने सोचा आप सबको इसका रिव्यू दिया जाए। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता, आपको ज़रा गाड़ी दिखाता हूँ मैं। निसान सनी 37 साल पुरानी गाड़ी है ये, और क्या खूबसूरत कंडीशन है अभी भी इस गाड़ी की। 1987 मॉडल है, 87 में ये वाला शेप आ गया था। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, जापान इंपोर्ट है। और आप ज़रा गाड़ी की लुक चेक करें साइड से, क्या खूबसूरत लुक है इस गाड़ी की। ज़रा बैक से इसकी लुक देखें गाड़ी की। 1000 cc इंजन के साथ है ये गाड़ी, और अभी तक बहुत ही कमाल कंडीशन है गाड़ी की। 87 मॉडल है, जापान इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। आपको ज़रा गाड़ी का इंटीरियर चेक करवाता हूँ मैं। ये देखिए ज़रा 37 साल पुरानी गाड़ी का इंटीरियर, ब्राउन डैशबोर्ड के साथ है ये। एसी इसका वर्किंग कंडीशन में है, 4-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है ये। इधर इसकी सीट्स की कंडीशन देखें, और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इस गाड़ी की सीट्स जो है बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप बैठे तो बहुत ही मज़ा आता है इसकी सीट्स पे बैठ के। इसकी डैशबोर्ड की लुक चेक करें आप। 161,000 किलोमीटर ड्रिवन है ये। यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है, इसका ऑयल का बता रहा है, पार्किंग ब्रेक क्या है, फ्यूल गेज है इसकी, टेम्परेचर की हीट गेज है। स्टेयरिंग में आ जाओ तो बहुत ही खूबसूरत इसका स्टेयरिंग दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ नीचे आपको इसके एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पुरानी जो कैसेट प्लेयर आता था वो निकाल के इन्होंने ये नया वाला लगवा लिया। इसमें डिजिटल क्लॉक दी गई है, यहाँ पे ये इसके एसी के वेंट्स और हर चीज़ वर्किंग में। यहाँ से आप इसके वेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से इसके ज़रा दरवाज़ों के गत्तों की कंडीशन देखें आप, हर चीज़ बेहतरीन कंडीशन में है। आपको ज़रा इसकी बैक सीट से दिखाता हूँ मैं। ये गाड़ी की बैक सीट देखें आप, और बहुत ही अच्छा लेग रूम है बैक सीट पे भी। बहुत कंफर्टेबल हो के आप बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो बैक रेस्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसे कि घर पे सोफ़ा होता है आपका। आपको ज़रा गाड़ी का इंजन चेक करवाता हूँ अब मैं। यहाँ से इसका हुड ओपन कर लेते हैं। ये गाड़ी की ज़रा इंजन की कंडीशन देखें आप, क्या बेहतरीन कंडीशन में इसका इंजन। यहाँ पे इसकी एक एसिस प्लेट दी गई है, एसिस नंबर इसका नज़र आ रहा होगा आपको, और क्या खूबसूरत फ्रंट है गाड़ी का। इसकी लाइट्स में आपको हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं, इसकी लाइट भी ज़रा ऑन करके चेक करवाता हूँ आपको। यहाँ से इसकी लाइट्स ऑन होती है, अगर आपको लाइट्स ऑन करके चेक करवाते हैं गाड़ी की। ये देखिए अब चल के ज़रा गाड़ी का आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। गाड़ी का बूट स्पेस बहुत ही बेहतरीन है, मेरे जैसा बंदा भी इसके अंदर आ जाता है। मैं आपको इसके ज़रा अंदर जाके वापस आके चेक करवाता हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी इस गाड़ी के अंदर आ जाएगा। तो भाई इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस इतना है कि मेरे जैसा बंदा इस गाड़ी के अंदर आ, सामान रखने की तो टेंशन ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे इसका एक कवर दिया हुआ है, इसके नीचे इसका आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, जैक रॉड वगैरह दिया हुआ है, और गाड़ी हर लिहाज से बेहतरीन है। मैं हैरान हूँ कि 37 साल पुरानी गाड़ी और अभी तक इतनी बेहतरीन कंडीशन में आई है। तो आइए चलते हैं अब इस गाड़ी की ड्राइव पे। इस गाड़ी की ड्राइव भी बहुत मज़े की है, फर्स्ट टाइम मैंने ये गाड़ी चलाई है आज, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो आइए चलते हैं आपको गाड़ी की ड्राइव पर ले कर। तो चलते हैं जी आपको ले कर निसान सनी की ड्राइव पे। 37 ईयर्स ओल्ड गाड़ी है ये, और क्या कमाल की ड्राइव है इस गाड़ी की। अभी 1000 cc इंजन आता है इसके अंदर, 4-speed फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसकी। और गाड़ी का ज़रा आप इंटीरियर देखिए, ब्राउन डैशबोर्ड दिया गया है, 4-spoke स्टेयरिंग दिया गया है इसका। यहाँ राइट साइड में इसके लाइट्स का लीवर दिया गया है, लेफ्ट साइड में इसके वाइपर का लीवर दिया गया है। इसके क्लस्टर में भी आपको इसका स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज का बता रहा है, टेम्परेचर गेज का बता रहा है, पार्किंग ब्रेक की लाइट ऑन ऑफ होती है, और डिजिटल क्लॉक दी गई है आज से 37 साल पुरानी गाड़ी के अंदर की। यहाँ नीचे आ जाए तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपको इसके एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट्स का बटन मिल जाता है, आफ्टर मार्केट टेप लगवाई हुई इन्होंने, और उसके साथ ही नीचे यहाँ पे आपको ये
ऐश ट्रे मिल जाती है। और अगर आप इसका ग्लव बॉक्स ओपन करना चाहो तो बड़ा मजे का स्टाइल दिया हुआ है इसका, बड़ा अच्छा स्टाइल से ओपन होता है। यहाँ पे जैसे एंटी क्लॉक वाइज आपने इसको करना है तो ये ओपन हो जाएगा, और क्लॉक वाइज करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इस गाड़ी की सस्पेंशन भी बहुत सॉफ्ट है और इंजन की पावर भी बिल्कुल ठीक है। और पुरानी गाड़ी चलाते हुए जो एक वाइब आ रही है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता इस गाड़ी की, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के। और एक और बड़े मज़े की चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगी है वो ये है कि इसकी सीट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही कमाल की सीट्स है इसकी। तो बैक रेस्ट जो है बहुत ही कम्फर्टेबल होकर हम इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, और लेग स्पेस भी बहुत अच्छे इस गाड़ी के अंदर, फ्रंट वाले पैसेंजर के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी और बैक वाले पैसेंजर्स के लिए भी। ये जिन भाई की गाड़ी है वो इसकी डिमांड 11 लाख रुपए कर रहे हैं। 87 मॉडल है, जापान इंपोर्ट है, इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छी मेंटेन उन्होंने रखी हुई है गाड़ी अभी तक। अगर आप गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हो तो मेरा नंबर वीडियो में दिया गया, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप गाड़ी फिजिकली देखना चाह रहे हो तो आप मार्वल मोटर्स भी विजिट कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।